हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो यमराज। भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन, जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी। सतवान की जिंदगी इतनी आखरी से टेम बेटी, ये सतवान की जिंदगी इतनी आखरी से टेम बेटी। बिना पति के दुखियारी की हो हो, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे ला गए चोट, ओट करो बचाले मेरी अरज सुनो यमराज। ये सामने बेटी जी अमराज जी, क्या तेरे सास और ससुर दोनों अंधे हैं? दोनों अंधे हैं। दिखाई नहीं देता? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं, क्षण भर भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे तू तो बड़ी अनाथ सी दिखाई पड़ती है, तेरा कोई देवर जेठ होगा? मेरे पति उनके इकलौते पुत्र हैं। तो बेटी सावित्री, आप एक साल विवाहिता रही हो, जिंदगी व्यतीत करने के लिए सहारे के रूप में कोई पुत्र या पुत्री जरूर होगा। अभी मैं निसंतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है यमराज। लाडो तू तो बड़ी दुखिया है। हे दुखिया जी, इतना जानने के बावजूद भी मैं तेरे पति को तो तुझे नहीं लौटा सकता। तो पर अब तेरी मदद करके, तेरे जीवन के सहारे के लिए कुछ ना कुछ करके जरूर जाऊंगा। परंतु कैसी मदद? सुन ले मेरी बात। और इस रागनी पर खुश होकर हमारे आदरणीय वर्षा ट्रांसपोर्ट दारूहेड़ा से चलकर हमारे बीच में आए हैं। 500 रुपए का पुरस्कार तो मंदिर के लिए देते हैं और 100 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी के लिए देते हैं। आदरणीय अमर सिंह प्रधान जी जो हमारी पार्टी के लिए 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। और आदरणीय प्रहलाद सरपंच साहब बास कुशला, पास कुशला प्रहलाद सरपंच साहब गुड़गामा, 500 रुपए इस रागनी पर खुश होकर देते हैं। साथियों दूसरी कली सुनना ध्यान से, क्या लिखा? हे
खुश हो शीस झुका दूंगा। क्योंकि तुम एक लजवंती हो, सतवंती हो, और तुमने गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का जाप किया है, इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हूं। और सुनो सावित्री, कहिए। और तेरे तप के तेज के आगे खुश हो शीस झुका दूंगा, पर लहास के अंदर लहास के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। तू और चीज, तू ते और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना ते हारूंगा। ए और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना से हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने हो हो हो, झोली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप, अरे अगर आप देना चाहते तो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तुम्हें रखवारे मेरी, अरज सुनो यमराज। जी अमराज जी, जब तेरे बगैर मांगे मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, तो तू मुझे तीन वचनों में क्यों बांध रही है? क्या तुझे यमराज के ऊपर यकीन, विश्वास, भरोसा नहीं रहा? भरोसा है। तो फिर हे यमराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं, और जैसे बच्चे जिद करते हैं, आज एक बच्चे जैसी जिद समझ के मेरे ये बात मान जाओ कि वचन भरो, मैं मांगूंगी तभी। बहन जी कितनी दिमागदार बन रही है, यमराज को पागल समझ रही है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यमराज को बुद्धिहीन समझ लिया है। नहीं तो, ये मानिया कि यमराज तो कुछ जानता ही नहीं है। मतलब मैं तेरे अंदर तक की बात जानता हूँ, तू क्या मांगेगी तीन वचनों में? हैं? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, क्या मांगे? सुन, हाँ। यमराज इतना पागल नहीं है, जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा ही नहीं। मैं क्या मांगूंगी? क्या नहीं दोगे आप बता दूं? हाँ बता दो। चल एक काम कर ले। हाँ जी, मैं तुझे तीन वचन दे दूंगा, ठीक है? लेकिन 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 एक शर्त होगी। क्या शर्त? बता दूं? बता दो। सुन ले। सुनाइए। बड़ी चतुर बन रही थी, यमराज को फंसाना चाह रही थी। एक सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। आ गया समझ में? हाँ हाँ आ गया। अब बोलो आप। एक ही शर्त है बस मेरी, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे, राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लिए बुद्धि परवीन। ठीक है? हाँ ठीक है। इब बे खटके, इब बे खटके, इब बे खटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। बे खटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। सास ससुर अंधे में
का, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। मेरा वचन तीसरा मांग, मेरा वचन तीसरा सत्यवान को नहीं मांगेगी, नहीं, वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने ना चाहिए कुछ और, गौर करो अपना वचन निभाले। अरज सुनो यमराज, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और मांग ले कुछ? महाराज बस यही तीन वचन देके यही पूरे कर दीजिए। और मांग ले कुछ? नहीं, यही तीन वर दे दीजिए। धन दौलत शोहरत बस मैंने मांग, गाड़ी घोड़ा सब कुछ मांग लिया। सोना चांदी नहीं, हीरे मोती नहीं, लत्ते कपड़े नहीं, पैसे धेले महाराज जो मांगा है बस यही दे दो, आपकी अति कृपा होगी। इससे संतुष्ट है? संतुष्ट तो हूँ, लेकिन थोड़े जल्दी करो, अब मुझ पे थोड़ा मारा सब्र नहीं हो रहा। तो जा, चली जा अपने घर। चली जाऊंगी, वचन दे दो। तथास्तु। तेरे तीनों वचन मैंने पूर्ण किए, हो गए। हाँ, और अब जाऊं? जा, ऐसे ना जाऊं महाराज। चली जा। ना ना ना, ऐसे ना जाऊं मैं। जा, चली जा। सुन के जाऊंगी कि कैसे कैसे पूरे कर दिया आपने, कैसे। जब मैंने तथास्तु कह दिया तो चली जा। मैं चली जाऊंगी, पर बताओ कि ऐसे क्रोध आ जाएगा, मुझे भस्म कर दूंगा। भस्म कर दोगे? हाँ महाराज, देखो भस्म भस्म तो करो मत। तो जब हम कह रहे हैं चली जा, चली जाऊंगी, लेकिन ऐसे बता दो कि बेटी सावित्री तेरे ये वचन ऐसे ऐसे पूरे हो जाएंगे, कैसे कैसे हो जाएंगे। तो बहुत जिद्दी है, बहुत हट्टी हूँ मैं। ले, हाँ तीन वचन कह के पूरे कर देता हूं, कह दो, सुन ले। और सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे। जा सास ससुर, जा सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे। आंखों का उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ, आगे भी कर रहा हूं। करो। जो छल ते लिया मंत्री ने, हाँ? थारा जो दुश्मन ने छीन लिया वो, हाँ? वापिस राज तुम्हारा दिया। दो वचन पूरे हो गए। मेरा वचन तीसरा, जल्दी फास्टली जल्दी करो। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। ओ वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। शुक्रिया यमराज जी, चली जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चली जाऊंगी। पहले वचन तो पूरे कर दिए। कर दिए? हाँ। अगर कर दिए होते महाराज तो आप यूं मुझे जाने के लिए अब चली जा। आपने मेरे वचन पूरे नहीं? हाँ कर दिए पूरे। अच्छा तीसरा वचन फिर से कह के बताना, मुझे तो सुनाई नहीं। बाबा कर दिए कि नहीं कर दिए? नहीं करे, कर दिए हैं, लेकिन फिर भी दोहरा देता हूँ। तीसरा दोहरा दो। मेरा वचन तीसरा, मेरा वचन तीसरा, तीसरा और दोहरा दूँ? हाँ हाँ। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख से जा तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से जा तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले हो, ख्याल करो हरे राम फैसले
ठिकाने लियाओ रे, बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जवान, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जवान। जारे एक मिनट सोचन दो, मुझे सोच लो। आपने कहा बगैर पति के पतिव्रता औरत पे संतान नहीं हो सकती, गलत है? गलत मतलब? गलत कहा तूने। मैंने सही कहा? गलत। अरे जब दुनिया में एक सती औरत का जति मर्द ही नहीं रहेगा तो कैसे संतान हो सकती है? जरा हाँ फैसला कर देता हूँ अभी। कर दो बहन जी। दादी सियानी बैठी है, बगैर पति के औरत पे बच्चे हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? अरे महाराज पागल ही है गे लगो बिल्कुल। अरे तो यमराज तो रंडवा है, मुझे बच्चों का ज्ञान नहीं है। बस मारना ही जानते हो पब्लिक को। नहीं दादी तू भूल में गोते, बगैर पति के बच्चे हो जाते हैं। मैंने तो जगपुल भाई साहब 100-200 औरत 300-300 बड़े बड़े आश्रमों में देखी है महात्माओं के दर है। हे गुरुजी मुंह पर छोरा ना है, गुरुजी बालक ना है मुंह पर। बाबा जी इन पे बालक मांगे, पति इन पे तो ना मांगे, और बाबा जी खुद ही रंडुआ बेचारों बापे तो मांगे। हे गुरुजी बालक ना है हम पे, बालक ना है गुरुजी। तो मैं बाबा से थोड़ी मांग रही हूँ, मैं तो यमराज से मांग रही हूँ। मतलब अच्छा दादा वाकई बगैर पति के बालक नहीं हो क्या? अरे यमराज जी आप रहने दो बस। तब पहले बताती ना बगैर पति के बाल। अगर पहले बता देती हाँ। तो मेरे पति जीवित कैसे होते? पति को तो तेरे को जीवित अभी भी नहीं करूंगा ना। पर अब एक बात बता हाँ। जब तूने मुझे फंसा के खड़ा कर दिया महाराज हाँ। मेरी बात सुन लो, अगर पति के प्राण वापस नहीं किए तो ये जमाना आपके ऊपर थूकेगा। या तो वचन हार हो जाओ या पति को जीवित करो, कुछ तो करना पड़ेगा, दोनों में से एक चुन लो। तूने मुझे फंसा दिया है सावित्री हाँ। अब तू ही बता मैं करूं तो करूं क्या? अगर तेरे पति को लौटाता हूं तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है, और अगर नहीं लौटाता हूं तो यमराज की जवान खराब होती है। यमराज जी आपको रास्ता चाहिए बचने का हाँ। मैं बताती हूँ। बता। मैंने अगर धर्म संकट में आपको डाला है तो निकाल भी देती हूँ। ये बात मैं भी जानती हूँ कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा। फिर मुझे ये भी पता था कि मेरे पति की आयु समाप्त होने वाली है। फिर लेकिन हे यमराज आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है, और अगर है तो कितनी बाकी है? तेरी जी चित्रकेतु जी महाराज देखियो रजिस्टर में एक बार सावित्री उसकी अशुपति की लड़की है सावित्री। आयु देख इसकी सावित्री अश्वति की लड़की जी महाराज है। कितनी आयु बच रही है इसकी? आयु बच रही है महाराज 80 वर्ष 6 महीने 17 दिन 18 घंटे 40 मिनट 36 सेकंड। 36 सेकंड यानी कि 80-85 साल 81 साल जिएगी तू महाराज हाँ। अगर मेरी अभी इतनी आयु बाकी है तो अब आप काम की बात सुन लो, मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए, मेरे पति जीवित हो जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे, आपके वचन पूरे हो जाएंगे और दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ, और मरेंगे तो भी साथ साथ महाराज, तो भी साथ साथ उन्हें जीवित करें। हो यम राज हुए लाचार रे, ओ लाचार रे, यम राजे हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाले, मेरी अरज सुनो यम।